बहराइच जिले के मिहीपुरवा तहसील अंतर्गत ग्राम सभा गायघाट में आबादी के बीच में बने मकान में अवैध पटाखे से रात लगभग 3 बजे भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें पूरा मकान धराशाही हो गया और बगल का मकान भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। ज्ञात हुआ कि गायघाट निवासी अमीर हसन की मौत हो चुकी है। उनकी 2 बेटियाँ चुमनी बेगम और नसीमुन और उनकी पुत्री रोशनी इस मकान में रहकर गोला बारूद बनाने का अवैध कारखाना चला रहे थे। 26 से 27 अगस्त की रात लगभग 3 बजे स्वर्गीय अमीर हसन के घर में अज्ञात कारणों से भीषण विस्फोट होने लगा। आसपास के लोग इस भीषण विस्फोट के कारण घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने बताया कि लगभग 1 घंटे तक विस्फोट होता रहा, जिसके कारण पूरा मकान धराशाही होकर जमीन पर गिर गया। बहुत पुराना मकान ये घटना कई बजे हुई है? लगभग 3 बजे। अच्छा, कैसे घटना हुई? अरे ये गोला तमाशा जो थोड़ा बहुत बनाते थे। अच्छा, इसी ये किसका घर है सामने वाला? ये है अमीर हसन हाजी। हाँ, अमीर हसन हाजी। अच्छा, तो वो है कि नहीं है? नहीं, वो खत्म हो गए, डेट हो गई। तो घर में कौन रहता है? वही उनकी दो बिटिया रहती है, विधवा। क्या नाम है उनके? और उनके नाम की जानकारी नहीं है। बिटियन के नाम ना जानते? हाँ। अच्छा, तो 3 बजे के आसपास का? हाँ, 3 बजे। अच्छा, कितनी देर तक दगा? लगभग आधा पौन घंटा तक दगा। आधा पौन घंटा तक दगा। अच्छा, उसी में ये सब दीवार हुआ? हाँ, गिर गई। छत दीवार सब उसी में गिर गई? हाँ, गिर गई है। दीवार गिरा रहा है। अच्छा, दीवार गिर रही है। 5 दिन हुई का मुहारा लगवाए, उसका लिंटर टूट दी, सरिया टूट दी, दरक के गिर गवा। अच्छा, तो कुछ गोला बारूद दगा है? गोला बारूद कुछ मना रहा, खाली जब आवाज घर की आवाज गिरी तो मैं कुछ थोड़ा बहुत सामान नहीं बना, थोड़ा बहुत करा जाता है ये गोला बारूद के। आप लोग गोला बारूद आप लोग इसमें बनाते थे क्या? थोड़ा बहुत नहीं, कुछ नहीं बनाया ना, साथ रखा रहा था थोड़ा सामान। तो क्या सामान रखा था? थोड़ा बहुत करा जाता था, थोड़ा अति सामान। वही चीज क्या चीज कोई ना जान सकता? गोला बारूद या पटाखा बना सामान? बना सामान, हाँ बना सामान। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।